हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दी पार्ट टू सक्सेस आरएम यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराता हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है, बेसिकली मैंने आप तीन पार्ट चलाए थे, जिसमें आपको मैंने वीडियो का जो टाइटल था वो बेसिकली ये था कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए बिफोर SSC एग्ज़ाम। तो सही है, क्योंकि ये जो है आपके बहुत काम आने वाला है गाइस। ये SSC CPO में जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसकी PDF है, उसकी बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं आप उस पर आपको कुछ ग्लिम्स दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम मतलब HCF, ठीक है, वो कैन शेयर 40 रुपीज़ कॉइन, 32 रुपीज़ कॉइन, 16 रुपीज़ कॉइन। अब आप इसका LCM निकालोगे, 16, 32, ठीक है, आपका ये आ जाएगा 32। जैसे 32 40 करा आपका 1 32 8 16 2 16, कट गया 8, आपका इसमें आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 373427 एंड दिस एंड लीव्स रिमाइंडर 9, 11, 12। बेसिकली कुछ नहीं करना, 9, 11, 12 को इन सबसे माइनस करना है और बाकी जो फिर आएगा आपका, लाइक ये कुछ नंबर्स आएंगे, इसका आपको HCF निकालना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 52। ठीक है गाइस, मैथ्स आई नो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई है, बट ये वीडियो करना ज़रूरी था कुछ आपको, जिससे पता लगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये मेरा मेन पर्पस था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो जस्ट इसी पर्पस से मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। बाकी हाँ, बहुत जल्दी आपके अरिथमेटिक और एडवांस में आपको कराऊंगा, सो डैट आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आएंगे। अब गाइस, एक क्वेश्चन है जैसे एवरेज, देखिए एवरेज निकालने का ना एक फार्मूला होता है, 2AB A+B, ठीक है, ये है, ये भी है, सिंपल पुट करा 2, 35, 55, A+B 55, 35, आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो मैं आपको कराऊंगा और आपके बहुत काम आएगी, ये मेरा आपको प्रॉमिस है, ठीक है। उसके बाद आपका, अब बेसिकली इसको अगर समझाया जाए तो जैसे हम टाइम एंड वक्त नहीं करते, जैसे 35 दे दिया, 55 दे दिया, फिर इसका LCM निकाला, इसका LCM तो हम क्या निकाले, 35 × 55 हो गया। तो अगर ये 35 × 55 है, तो ये 35 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 55 मिलेगा, 55 को इससे डिवाइड करेंगे तो 35 मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, इस टोटल को करते हैं मल्टीप्लाई और इन दोनों को सम करके नीचे लिख देंगे, ठीक है, बट ये एवरेज है इसलिए 2 × मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस टाइप के कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा जब मैं आपको मैथ्स के जितने भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन हो गया आपका, इसमें कुछ नहीं करना, हमको बोला है एक लेंथ और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, फाइंड करना है इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पैरीमीटर, पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2A+B, ठीक है, 2 लेंथ + ब्रेथ ले लो, 2 लेंथ + ब्रेथ, ठीक है, का जो वो है वो 1/6 दिया हुआ है। कुछ नहीं, हम लेंथ को एक्स मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ दिया ही हुआ है, लेंथ को एक्स मान लिया, पैरीमीटर को 6x मान लिया, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो हमारा चीज़ बनेगा वो होगा आपका 2x जो कि लेंथ है प्लस ब्रेथ, और 6x जो कि आपका पैरीमीटर का रेशियो दिया हुआ था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, तो उसके बाद हमारा जो बचेगा वो हो जाएगा B = 2x जो कि हमारी है ब्रेथ। फिर हमको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया लेंथ हमें दिया हुआ है, ब्रेथ हमें दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है 1152। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कट के हो जाएगा आपका बेसिकली 2x² बन जाएगा ये, ठीक है, ये आपका 2x है, ये आपका x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये हमारा x जो है बेसिकली वो 24 आ जाएगा क्योंकि हमारा लेंथ है, तो लेंथ हमारा 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन हो गया 2:3। अब जैसे देखिए गाइस, अगर आप इसको सॉल्व करो, लाइक यहाँ बेसिक है, ठीक है, क्या बोला है कि सैलरी है रितु और श्वेता की जो कि 2:3 में दी है, दोनों की सैलरी में 1000 रुपये बढ़ जाते हैं, तो जो नया रेशियो होता है वो 40:57 बनता है। तो श्वेता की सैलरी बतानी है। अब कुछ नहीं, आप ऐसे कर लो 2x + 1000 बढ़ा ना तो उसमें रितु की सैलरी में, और श्वेता को 3x ले लिया उसमें भी 1000 रुपये बढ़ा, फिर जो रेशियो बन गया वो 40:57 बन गया। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ही टेडियस और लंबा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, 2:3 लिख लिया, दोनों में कुछ प्लस होगा, प्लस 1000, ठीक है, और फिर जो रेशियो बन जाता है वो 40:57 बन जाता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी ऐसा मल्टीप्लाई करना है इस नंबर पे, सो डैट जो दोनों के बीच का डिफरेंस है ना वो सेम है। क्यों सेम, इसलिए आए क्योंकि दोनों की सैलरी ईच सेम इंक्रीज हुई है 1000 रुपये से, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है कितना है, 17, आपको 17 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 17। अब 17 को इससे करेंगे 2 से तो 34 आएगा, 17 को 3 से करेंगे तो 51 आएगा, ठीक है, और ये तो हमारा दिया ही हुआ है 40:57, ठीक।
तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 6, 6, तो 6x हो जाएगा हमारा कितना, 1700, क्योंकि ये 17 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये 17 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1000 से, तो 17000। और बस फिर आप सीधा इस लाइन पे यहाँ आ जाओगे। तो काफ़ी शॉर्टकट्स हैं, काफ़ी चीज़ें जो मेरे को आपको करानी है और मैं आपको कराऊंगा, और फिर उसके बाद आप प्रेजेंट सैलरी निकाल दोगे सुमित की। तो ज़रूर मैथ्स के लेक्चर तो ज़रूर देखिएगा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अब जैसे ये हो गया, अब एक आर्टिकल है, ठीक है, सेल प्राइस उसका 3924 है, ठीक है, एसपी 3924 है, टैक्स लगा है, तो 109% टैक्स लगा है, तो 109% हो गया, 109% टैक्स लगा तो 3924 था, 100% टैक्स लगा तो कितना होगा, 3924 अपॉन 109 × 100, 3600 था जो उसका कॉस्ट प्राइस था बिना टैक्स लगे। टैक्स लगने के बाद 3924 है, क्या पूछा है, डिस्काउंट, इन दोनों को माइनस करेंगे 324 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, ये आपको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद है ये 38000 का एक लैपटॉप है, ठीक है, उसमें डिस्काउंट लगा कितना, 10% का, 90/100। फिर उसके बोला कि एक और डिस्काउंट लगा x/100, तो जो उसका रेट है वो 3780 आ गया। इसको आप काटोगे ना तो x की वैल्यू आ जाएगी 90, बट हमें डिस्काउंट निकालना है तो हमें 100 से माइनस करना पड़ता है, तो हमारा जो आंसर होगा होगा 10%। तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे को आपको करानी है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा। मेरा यहाँ मेन मोटिव बस ये आपको क्वेश्चन दिखाना, पैटर्न दिखाना, किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए उनको। बाकी वीडियो बहुत जल्दी आ रही है आपकी, पूरी अरिथमेटिक और एडवांस बहुत अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं होता गाइस, जैसे एक मार्क प्राइस होता है उस पर डिस्काउंट देते हैं हम, तो जो डिस्काउंट लगता है ना वो 10% का दिया है, तो यानी कि 100 - 10 करेंगे तो 90 अपॉन 100 का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो जब डिस्काउंट दिया इतने का और फिर उसने एक और डिस्काउंट दिया तो हमारा ये आ गया, तो x से x की वैल्यू हमारी 90 निकल जाएगी, बट यहाँ पे भी तो हमने 100 माइनस करा है ना 10, तो इसलिए यहाँ पे भी हम 100 माइनस करेंगे, इस वजह से हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। अब ये नंबर है, अब कोई एक थर्ड नंबर है जिसको हमने 100 मान लिया, तो उसने क्या बोला, जो फर्स्ट नंबर है 2 numbers आर लेस देन थर्ड नंबर बाय 50%, तो फर्स्ट नंबर हमने 50 ले लिया, सेकेंड नंबर हमने 45 ले लिया, क्यों, क्योंकि 55 माइनस करेंगे 100 में से तो 45 आएगा। तो उसने पूछा परसेंट बताना है कि कितने परसेंट से सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से कम है, कितने, 5% है, तो 5 upon 50 × 100 आपका 10% आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हैं, अब से मेरे लिए क्वेश्चन हो गया आपका। अब आपको पता होगा अमाउंट का फार्मूला होता है गाइस, P1 + R/100T, ठीक है, CI का फार्मूला होता है P1 + R/100T - P, यही फार्मूला यहाँ लगाया। प्रिंसिपल दिया हुआ है 16000 रुपये, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 3 years एट 7% पर एनम इज़ हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16000 फॉर 2 years, तो 16000, ठीक है, 1 + P आपका दिया हुआ है 16000, 1 + R/100, R कितना दिया हुआ है हमारा 10%, बस 100 दो साल के लिए माइनस 16000, इससे हमारा क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। SI क्या बोला है, SI जो बोला है वो है बेसिकली हाफ, ठीक है, तो CI जब हमारा इसको सॉल्व करके 3360 आएगा, तो उसका हाफ जो है हमारा SI दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, देखिए हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फिर बस अपना SI से 1680 आ जाएगा। SI दिया हुआ है, SI का फॉर्मूला होता है PRT 100, ठीक है, SI दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 3 years, 7% टाइम दिया 3 years, प्रिंसिपल निकल जाएगा। बहुत ही जल्दी जल्दी करा रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से है। जब मैं इसको आपको पूरी वीडियो में अच्छे से बताऊंगा ना गाइस, ट्रस्ट मी आपका मैथ्स का कभी भी एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है गाइस, एक फार्मूला होता है, इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में बस वही आता है कि, ठीक है, एक मिनट, रेशियो ऑफ स्पीड ना, ओके, S1 S2, ओके, T2 T1, एक फार्मूला है जिसको मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको मैथ्स का आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड पढ़ाऊंगा। बस इसमें क्या है, बेसिकली दो ट्रेन है, एक यहाँ से इधर जा रही है, एक यहाँ से इधर जा रही है, 800 किलोमीटर दोनों दूर है, एक जो है 460 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है, तो दूसरी कितनी आगे बढ़ेगी जब, तो फिर वो मिल जाएंगे, तो ये 460 होगी तो ये 340 होगी। कुछ नहीं करना, उसका रेशियो करना है, 23:17 हमारा आंसर आ जाएगा। और देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, फॉर द सेम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बोलते हैं ना स्पीड जितनी ज़्यादा टाइम उतना कम, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद है जैसे देखिए, राम एंड श्याम 45 दिन 40 दिन काम करते हैं, ठीक है,
45 इसमें देखिए, इसमें तो बेसिक से बताया हुआ है 45 और 40 डेज काम करते हैं, दे बिगन टू वर्क टुगेदर, तो कितने दिनों के बाद आपको कुछ नहीं करना, 45 40 का एलसीएम ले लो, ठीक है 360, ओके एलसीएम ले लिया 360 अपॉन 8+9 करेंगे 17 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये तो आपका हो गया जो बेसिक चीज़ है, बट इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है कि बेसिकली 23 दिन जो है काम करा किसने, आपका दे बिगेन टू वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है ओके, बट शाम फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, शाम ने 23 दिन में काम कर दिया, शाम 40 डेज वाला है, ठीक है, तो 23 दिन में शाम ने काम कर दिया, ठीक है, तो बेसिकली शाम ने 9 डेज काम करा तो उसने 23 डेज में काम कर दिया, तो यानी कि 207 दिन तो उसी ने काम कर दिया, ठीक है। अच्छा 207 दिन में उसने काम ख़त्म कर दिया तो फिर इससे हम एक भी निकल जाएंगे, बट इसने पूछा क्या कि ए ने कितने दिन काम किया, तो जाहिर सी बात है ए ने 9 डे का 9 दिन काम किए, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं क्वेश्चन में, इसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है, बस अभी आप देख लीजिए वीडियो, बस क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं बताने के लिए। अब सिमिलरली ये हो गया, अब इसमें क्या पूछा है, जैसे एक टैप है 72 मिनट में पानी भरता है, 36 मिनट में पानी निकालता है, क्योंकि उसमें कोई भी छेद है या जो भी है, ठीक है, तो टैंक जो है हाफ फुल है, अगर हाफ टैंक फुल है तो हाफ खाली भी होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 72 ठीक है। बट बेसिकली उसने क्या पूछा कि हाफ टैंक यानी हाफ 72, दो से एक अटा 36, सिंपल 36 मिनट्स में एम्प्टी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं गाइस, ये सब मैं आपको कराऊंगा, सिर्फ ये वीडियो करने का ज़रिया दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को डील करना चाहिए, क्योंकि जब मैं आगे ये जस्ट एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको बेसिक और कंसेप्ट और ट्रिक्स को एक साथ कराऊंगा ना, तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, क्योंकि माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो 72 टोटल है, 2 माइनस 1 करा तो 72 आया, बट हाफ टैंक तो ऑलरेडी फिल्ड है ना, हाफ ही बनना है, तो 1/2 72 करेंगे तो इससे इसको काट दिया, 36 हमारा आंसर होता है। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन है जो कि आपका ज्योमेट्री का है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि हमको क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है, तो इसको देखते ही आपको आंसर हो जाना चाहिए कि 60/120। पहले तो हमें दिख रहा है ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चलो कोई बात नहीं, आपको ये दिख रहा है कि ओ ए बी जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड दोनों की इक्वल है, अगर ये 30 होगा गाइस तो खुद बताओ ये 30 नहीं होगा, होगा ये 30 कितना हो गया 60, ये दोनों 60 होगा तो ये डेफिनेटली 120 होगा, क्योंकि तीन साइड का ट्रायंगल का 180 होता है ना, ये 120 होगा तो ये डेफिनेटली 60 होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये 60 होगा तो ये डेफिनेटली 120 होगा। सिंपल क्वेश्चन है, पेन तक उठाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें डील करना पड़ेगा, और ये सब मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक के साथ, वरना आप ऐसे अगर कंसेप्ट और पूरे पैटर्न के साथ उसी हिसाब से करोगे तो आप क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे इनफैक्ट, ठीक है। अब जैसे ये हो गया पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक है, अब ये क्वेश्चन है बेसिकली, तो आपको एक चीज़ पता है कि इसका और इसका सम कितना होता है 180, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, अगर ये 50 है तो एक लीनियर में क्या होता है 180 बनता है, ये 50 है तो ये 130 होगा, तो कुछ नहीं, अब ये 90 दिया है, 130 दिया है, 90 दिया है, 360 से माइनस करोगे ये आंसर आ जाएगा, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से करा जा सकता है। सिमिलरली ये है, अब ये डी ई है, डी 18 दिया हुआ है आपको, ए बी सी डी एक मतलब ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें क्या बोला है कि जो ए बी है वो पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, ये 18 दिया है, ठीक है। आपको पता होगा कि इसमें क्वेश्चन में ये हमने आपने अगर कहीं पढ़ा होगा कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये कुछ है डी ई, तो आपने पढ़ा होगा कि डी ई इज़ हाफ ऑफ बी सी, ये प्रॉपर चीज़ है जो अगर आपको किसी आपने ज्योमेट्री अच्छे से करी है तो पैलोग्राम में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो बस अगर ये 18 है तो ये ज़्यादा बड़ा है, ये 36 होगा इसका दुगना, सिंपल, ये 18 है ये निकालना है, इंटू 2 करा 36। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ज़्यादा पेपर बहुत हार्ड नहीं है। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन हो गया एरिया ऑफ इंस, अब आपको पता होगा साइड की स्क्वायर ए होती है, डायगोनल रूट 2 ए होता है, ठीक है, ये हो गई पहली चीज़। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ स्क्वायर होता है हमारा ए रूट 2/2 दिया हुआ है, इन सर्कल होता है ए बाय 2 रेडियस, ये हो गया आपका बात, ठीक है, आपका जो एक चीज़ होती है बेसिकली कि जो हमारा सर्कम सर्कल का वो होता है स्क्वायर का रेडियस वो ए रूट 2/2 होता है, और ये 2/2 होता है जो कि हमारा सिंपल इन सर्कल का होता है। सर्कम सर्कल इन सर्कल में क्या फ़र्क है मैं आपको बताऊंगा, चलो अभी नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी,
इसको पूरा एक पूरी इसकी थ्योरम पूरा हर चीज़ आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से होता है आपको जब मैं एडवांस में ज्योमेट्री कराऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा दोनों का रेडियस है, कुछ नहीं करना, पाई आर स्क्वायर लगाना है और आर्क में ये वैल्यू पुट करनी है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो, इसमें मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा था कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं और किस टाइप से हमें उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। जब मैं आपको मैथ्स कराऊंगा ट्रस्ट मी गाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे और आपको कोई भी क्वेश्चन गलत होने की जो वो होगी वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं अपनी नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि बहुत जल्दी अरिथमेटिक और एडवांस का पूरा लेक्चर्स पूरा बैच मैं शुरू करने वाला हूँ। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।